आज मैं बना रही हूँ होली स्पेशल टी टाइम स्नैक्स की रेसिपी। तो होली पर फेस्टिवल के टाइम पे स्नैक्स बनाने तो बनते ही हैं, गेस्ट आते हैं घर में, आप भी खाइए और उन्हें भी खिलाइए, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हैं और क्रिस्पी भी। तो यहाँ पर एक बड़ा सा बर्तन ले लेंगे, बर्तन में डाल देते हैं हम 1.5 कप सूजी। तो ये स्नैक्स की रेसिपी हम सूजी से बना रहे हैं, मैदे का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो यहाँ पर 1/2 कप मैंने आटा ले लिया है, यहाँ पर 1/2 कप मैंने सूजी और डाल दी है। टोटल हमने यहाँ पे 1.5 कप सूजी का यूज़ किया है। तो इसमें मोइन लगाने के लिए देसी घी का यूज़ कर रही हूँ। पहले हम आटे को और सूजी को अच्छे से मिला लेते हैं। तो अब इसमें डाल देते हैं 2 चम्मच देसी घी। तो इस रेसिपी को हम ज़्यादा खस्ता नहीं बना रहे, क्रिस्पी बना रहे हैं, इसलिए मैंने घी का यूज़ थोड़ा सा कम किया है। अगर आप थोड़ा खस्ता बनाना चाहते हैं तो 2 चम्मच घी इसमें और आप ऐड कर सकते हैं। तो अच्छे से घी को आटे के साथ मिला लेंगे। तो अच्छे से मिक्स करते हुए, ताकि हर तरफ की अच्छे से मिक्स हो जाए, 1 से 2 मिनट लगेंगे, अच्छे से मिला लेंगे। अब हम इसमें थोड़े से मसाले ऐड कर लेते हैं। तो जितना चटपटा आपको खाना है उतने ही मसाले आप ऐड कर लें। मैंने 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर डाल दिया है, 1/2 टीस्पून मैंने अजवाइन डाल दी है, 1/2 टीस्पून मैंने कसूरी मेथी का पाउडर डाला है और स्वाद के अनुसार नमक डाल दिया है। तो यहाँ पे मैंने 1/3 टीस्पून नमक डाल दिया है। इसमें हमने थोड़ा सा चाट मसाला भी ऐड कर दिया है, तकरीबन 1/2 टीस्पून के आसपास मैंने चाट मसाला डाल दिया है। तो पानी अब थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और इसका थोड़ा सा टाइट आटा गूंद देंगे, पूरी से थोड़ा सा टाइट आटा होना चाहिए। तो पानी हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, क्योंकि एक साथ डालेंगे तो आटा ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगा। तो धीरे धीरे पानी का यूज़ करेंगे और आटे को गूंदते जाएंगे। तो आटा हमें थोड़ा सा टाइट ही चाहिए। तो अभी हम थोड़ा सा इसको सॉफ्ट कर लेंगे, क्योंकि हमने इसमें सूजी का यूज़ किया है तो सूजी पानी को अब्सॉर्ब कर लेगी, तो आटा वैसे ही हमारा थोड़ा सा टाइट हो जाएगा। तो पहले हमें हल्का सा सॉफ्ट आटा लगाना है, वो उसके बाद अपने आप ही थोड़ा सा टाइट हो जाएगा। तो बस इसे रेस्ट कराने के लिए छोड़ देते हैं, थोड़ा सा पानी ऊपर स्प्रिंकल करके रख देंगे ताकि सूजी जो है वो सूखे नहीं, और इसे कपड़े से ढक देंगे। तकरीबन 10 मिनट के लिए हम इसे रेस्ट करने के लिए छोड़ देते हैं। तो 10 मिनट हो चुके हैं, अब आटा भी हमारा बिल्कुल अच्छे से सेट हो चुका है। अब हम इसके पेड़े तोड़ लेते हैं। पेड़े देखिए मैंने इसे थोड़ा सा बढ़ा लिया है और इसके अब हम इक्वल पेड़े तोड़ लेंगे। तो सारे पोर्शन हम ऐसे ही तोड़कर रख लेते हैं। अब हम एक रोलिंग बोर्ड ले लेंगे, उसके ऊपर हम थोड़ा सा ऑयल से इसे ग्रीस कर लेंगे, क्योंकि हम इसमें सूखे आटे का यूज़ नहीं कर रहे। तो जो चकला है या रोलिंग बोर्ड है, इसे हम अच्छे से ग्रीस कर लेते हैं ताकि चिपके नहीं, और थोड़ा सा बेलन पे भी हम थोड़ा सा ऑयलिंग कर लेंगे। तो बिल्कुल इसे ज़्यादा पतला नहीं बेलना, ज़्यादा मोटा भी नहीं बेलना, बिल्कुल मीडियम साइज़ का हमें इसे बेलना है। तो अच्छे से बेल लेते हैं पहले। अब हम एक कटर की हेल्प से इसे काट लेते हैं। शेप आप इसकी कैसी भी दे सकते हैं, जैसे आपको पसंद हो आप वैसी शेप में इसे बना सकते हैं, स्क्वायर में बना सकते हैं या आप इसे ट्रायंगल में भी बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर थोड़ा सा डायमंड शेप दी है, जैसे बर्फ़ी की शेप होती है वैसी शेप में इसे काटा है, ये बहुत ही अच्छे लगते हैं। अब बस ऊपर से फॉक से हमें थोड़े से इसे छेद कर देने हैं, ताकि जब तेल में हम इसे फ्राई करें तो ये फूले नहीं, फूलेगा तो क्रिस्पी नहीं बनेगा, अगर नहीं फूलते तो क्रिस्पी बनते हैं। तो बहुत ज़्यादा थिक नहीं बनाया हमने, बिल्कुल पतला पतला ही बनाया है, इससे ज़्यादा क्रिस्पी लगेंगे। तो बस इसे इकट्ठे सारे बेल कर तैयार कर लेते हैं, एक साथ ही इसे फ्राई कर लेंगे।
तो इधर तेल भी हमने अच्छे से गरम कर लिया है। मीडियम हीट ऑयल हमें इसके लिए चाहिए, बहुत ही ज़्यादा हाई हीट पर ऑयल नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये एकदम से कलर चेंज हो जाएगा और पकेंगे बिल्कुल भी नहीं। तो मीडियम ऑयल है और मीडियम हीट पर ही हमें इसे पकाना है। तो सारे जो स्नैक्स हमने बना के रखे हैं वो हम ऑयल में डाल देते हैं और एक बैच को फ्राई होने में तकरीबन 3 से 4 मिनट का टाइम लग जाता है। पहले हमें इसे मीडियम हीट पर फ्राई करना है और उसके बाद 1 से 1.5 मिनट के लिए हमें इसे हाई हीट पर फ्राई करना है ताकि जो इसका कलर है वो भी काफ़ी अच्छा और गोल्डन आ जाए। तो साथ साथ में इसे हम हिला देते हैं ताकि आपस में चिपके नहीं, तो फॉक की हेल्प से हम इसे अच्छे से हिलाते रहेंगे ताकि हर तरफ से ये इक्वल सिक जाएँ। तो मीडियम हीट ही हमने अभी रखी हुई है और लास्ट में हम इसे फुल हीट पर फ्राई कर लेंगे। ये स्नैक्स बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं इवनिंग में, आप चाय के साथ खाएं या ऐसी भी खाएं, छोटी मोटी भूख जब लगी होती है बच्चों को या खुद को भी, तो आप इसे ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। इसे आप हरी चटनी के साथ खाएंगे, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। आप इसकी चाट बनाकर भी खा सकते हैं, प्याज टमाटर डालकर और चटनी डालकर आप इसकी चाट भी बनाकर खा सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाली है। तो ये देखिए थोड़ा सा मैंने फ्लेम को भी कर दिया था, देखिए कलर इसका कितना बढ़िया सा आ गया है। बस ये हमारे अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, अब हम इसे कढ़ाई से बाहर निकाल लेते हैं और बाकी के जितने भी बैचेस हमने तैयार करके रखे हैं उसे भी हम ऐसे ही मीडियम हीट पर और फिर हाई हीट पर हम फ्राई करके तैयार कर लेते हैं। इसे आप बनाकर पूरे 1 महीने के लिए स्टोर भी कर सकते हैं, जब भी मन करे आप इसे इंजॉय कीजिए चाय के साथ या आप किसी भी टाइम इसे खाएँ, अपनी छोटी मोटी भूख को मिटाने का बहुत ही अच्छा और बहुत ही हेल्दी भी है ज़्यादा, क्योंकि मैदा इसमें हमने यूज़ नहीं किया और टेस्टी भी है, बच्चों को बड़ों को सभी को बहुत पसंद आएगा। तो इस होली पर आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो जल्दी मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।